नमस्कार, मेरा नाम कमलदीप सिंह है। आपका स्वागत है मेरे लाइफ पेज पे। आज हम बात करेंगे पॉटरी के बारे में। उससे पहले मैं आपको कुछ अपने बारे में बताना चाहूंगा। मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है DAVPG कॉलेज से, और उसके बाद मैंने अपना फाइन आर्ट्स कंप्लीट किया है जो कि कला केंद्र से, जो देहरादून में है। और उसके बाद मैं अपने इस काम को अपना देहरादून के डिफरेंट स्कूल्स में जा जाके बच्चों को सिखा के, अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग बच्चों को सिखा के अपना करियर मैंने 2002 से स्टार्ट किया है। और उसके साथ साथ मैंने कई डिफरेंट स्कूल्स, इंस्टीट्यूट्स, एक्टिविटी सेंटर्स जो कि हमारे दिलाराम बाजार के पास है, एक्टिविटी सेंटर्स वहां भी गया। पॉटरी का मीनिंग्स है कि जो हम काम पॉटर व्हील पे, जो चाक पे हम काम करते हैं, उस वर्क को बोलते हैं पॉटरी वर्क। जो कि हम पॉट्स, दिए, ये सब चीजें हम जो पॉटर व्हील पे बनाते हैं, दैट्स वर्क्स कॉल्ड पॉटरी वर्क। जो काम हम हाथ से करते हैं, जैसे हम हाथ से कुछ फिगर्स बनाते हैं, या हमने हाथ से कुछ भी बनाया, या हमने किसी चीज को डेकोरेट किया हाथ से, या हमने कोई स्कल्पचर्स बनाया, उस वर्क को बोलते हैं क्ले मॉडलिंग। जिस क्ले मॉडलिंग मीन्स जो हम हाथ से बना रहे हैं उसको बोलते हैं क्ले मॉडलिंग। और पॉटरी वर्क जो हम व्हील पे करते हैं उसको बोलते हैं पॉटरी वर्क। जैसे कि आर्ट, आर्ट पॉटरी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आर्ट से हमारा स्केल अच्छा होता है, आर्ट से हमें पता लगता है कि हमें करना क्या है। क्योंकि पॉटरी, बेसिकली पॉटरी जो है वो पार्ट है आर्ट का ही, आर्ट ही मेन है। तो आर्ट से आपको पॉटरी के बारे में ज्यादा नॉलेज मिलती है, आर्ट से आप आगे कुछ भी अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। आर्ट से ही आपको सबसे पहली नॉलेज आपको आर्ट की होनी चाहिए, जिससे आप कुछ आगे पॉटरी में कर सकते हैं। सबसे पहले है जैसे गुड इमेजिनेशंस। इमेजिनेशंस मतलब जैसे कि हमारी सोच कि मुझको एक पॉट बनाना है जिसकी नेक लंबी है, तो मेरी इमेजिनेशन अच्छी होगी, तो मैं अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से जैसे मैंने कोई पॉट बनाया, सपोज एक पॉट बनाया, मुझे उसकी लॉन्ग नेक चाहिए तो मैं उसकी लॉन्ग नेक बनाऊंगा, मुझे छोटी चाहिए तो मैं छोटी बनाऊंगा। और कई डिफरेंट टाइप्स की पॉट्स होते हैं, उसमें नेक्स अलग अलग टाइप्स की होती है, किसी में होल्स होते हैं, किसी में डिजाइन होते हैं, कोई सीधी होती है, किसी में घुंघरू से लटका दिए जाते हैं। उसमें मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में जैसे आपको कई लोगों से मिलना पड़ सकता है, और मिलते हैं, और एक से एक बड़े से बड़े कलाकार मिलते हैं, उनका काम देखने को मिलता है, कई लोगों से मिलना पड़ता है, उनको सिखाना पड़ता है, उनसे सीखना पड़ता है, तो मेरे हिसाब से नेटवर्किंग बहुत काफी बढ़ जाती है। चैलेंजेस मतलब ऐसा चैलेंज नहीं है कि मुझे फर्स्ट आना है लाइफ में, ऐसा चैलेंज नहीं है। चैलेंज मतलब कि जैसे जब भी हम कभी कुछ काम करते हैं तो हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हम अपने काम को दूसरे से ज्यादा अच्छा करें, ऐसा चैलेंज है। और ये चैलेंज मेरे हिसाब से बहुत अच्छा होता है लाइफ में। हमेशा जो भी करो सामने वाले से अच्छा करने की कोशिश करो, तो ये वो चैलेंज है। अब जैसे कि आपने कोई पॉट बनाया, उस पर आपने 3D डिजाइन्स बनाए, अब आपके माइंड में रह सकता है कि यार सामने वाला इतना अच्छा बना रहा है तो मुझे उससे अच्छा कोशिश करना बनाने की, तो ये है चैलेंजिंग माइंड। तो मेरे हिसाब से ये बहुत जरूरी है लाइफ में, इससे आप हमेशा अच्छा करेंगे और आगे रहेंगे। अब मैं आपको सवेरे उठ के अपना स्कूल पहुंचता हूँ, स्कूल में जाके बच्चे मेरी वेट कर रहे होते हैं क्लास में कि सर आ गए, सर आ गए, और बहुत खुश होते हैं वो मुझे देख के कि उनको लगता है कि सर आ गए, अब हमें मजा आने वाला है क्ले में काम करने से। वो क्ले में काम करते हैं, उसके बाद मैं फिर उस स्कूल से छूट के दूसरे स्कूल से जाता हूँ, वहां से छूट के मैं दूसरी जगह जाता हूँ, तीसरी जगह जाता हूँ, मतलब पूरे दिन भर मैं 2-4 स्कूल्स में जाता हूँ। फिर जब टाइम मिलता है तो मैं अपने घर पे करता हूँ, क्योंकि मुझे अर्न भी करना है अच्छा, तो मैं उसके लिए घर पे भी काम करता हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं इतने स्कूल्स में जा रहा हूँ, इतने बच्चों को सिखा रहा हूँ, और उसके बाद जब बच्चे मुझे अच्छा रिप्लाई करते हैं, मेरी वेट करते हैं, मुझे देख के खुश होते हैं, तो मुझे लगता है कि बच्चे बहुत खुश हैं, यही मेरी अचीवमेंट है। और बच्चे बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाते हैं, और अच्छा तब लगता है जब बच्चों के पेरेंट्स आके मुझे बताते हैं कि सर आपने हमारे बच्चे को ये चीज सिखाई थी, उसने घर में ये बनाया वो बनाया, उसको कहीं से क्ले नहीं मिली, उसने पीछे से खोद के ले आया, कहीं से उठा के ले आया, और अगर वो भी नहीं मिला तो जैसे मम्मी किचन में रोटी बना रही होती है तो वो बच्चे आटा लेके ही बना देते हैं,
तो उनको बहुत अच्छा लगता है, और उनसे ज्यादा अच्छा मुझे लगता है कि मैंने बच्चों को कुछ सिखाया है। और उसके बाद फिर मैं इवनिंग में सेंटर में जाता हूँ, एक सेंटर है हमारे यहीं दिलाराम बाजार में, लाइफ एक्सप्रेस एक्टिविटी मल्टी सेंटर, वहाँ सारे प्रकार की एक्टिविटीज होती हैं, वहां भी मैं जाता हूँ, वहां भी बच्चे क्ले में काम करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। इस प्रकार मेरे पूरे दिन का शेड्यूल रहता है, सुबह से इवनिंग तक बच्चों के साथ रह के, और फाइनली मैं बहुत खुश हूँ बच्चों के साथ काम करा के और करके। उम्मीद है मैंने आपको आज पॉटरी के बारे में एक अच्छा व्यू दिया होगा, एक बैलेंस व्यू दिया होगा। धन्यवाद।